वोयजर मिशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से सुनना। तो नासा के दोनों वोयजर अंतरिक्ष यान, नासा का वोयजर स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से दूर जाते हुए इंटरस्टेलर स्पेस अंतर तारकीय अंतरिक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस यानी कि अंतर तारकीय अंतरिक्ष, इसमें गति कर रहे हैं, इसमें जा रहे हैं इंटरस्टेलर स्पेस में। फिर भी हर साल कुछ समय के लिए दोनों अंतरिक्ष यानों की पृथ्वी से दूरी कम होती जा रही है। इस पॉइंट को समझिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं। तो नासा के दोनों जो स्पेसक्राफ्ट, वोयजर स्पेसक्राफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये पृथ्वी से दूर जो है वो जा रहे हैं और कहां पर एंटर कर रहे हैं, इंटरस्टेलर स्पेस में, यानी कि अंतर तारकीय अंतरिक्ष में। बट हो क्या रहा है कि हर साल कुछ समय के लिए दोनों अंतरिक्ष यानों की पृथ्वी से दूरी कम होती जा रही है। ध्यान से सुनो, ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी से दूर जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, बट फिर भी पृथ्वी से इनकी कमी जो है, मतलब दूरी जो है वो कम होती जा रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हमारी धरती भी जो है वो सन की ऑर्बिट पर घूमती आई, राइट। बट एक और चीज बहुत ध्यान से समझना, पूरा सोलर सिस्टम भी जो है वो पूरा का पूरा मूव करता है, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। धरती जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम भी मूव करता है, उसका भी एक मूवमेंट खुद का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ऐसा साइंटिस्ट रिसर्चर ने प्रूव किया है। और जब ही, तो अब आप खुद सोचिए, एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो धरती से दूर जा रहा है, बट धरती जो है वो उसके उस पास जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो नजदीक आती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो गैप है वो कम होता जा रहा है, मतलब दूर स्पेसक्राफ्ट के दूर जाने के बाद भी गैप कम हो रहा है, मतलब कि धरती भी जो है वो उसके पीछे पीछे आ रही है, मतलब धरती भी एक्सपेंड हम लोग को, यानी ये पूरा, आप जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के अंदर आपने एक चीज जो है वो पढ़ी है कि पूरा का पूरा जो ये स्पेस हम लोग को देखने को मिलता है, जो सोलर सिस्टम जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, गैलेक्सी जो हम लोग को देखने को मिलती है, क्या हो रही है, एक्सपेंड कर रही है, राइट। और इवन सोलर सिस्टम भी जो है वो सिर्फ एक जगह पर स्थिर नहीं है, वो भी मूव करता है और बहुत तेजी से मूव करता है। इनकी स्पीड के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा तो मजा आएगा। तो इसका जवाब यह है कि हर साल कुछ महीनों के लिए पृथ्वी अपनी कक्षा यानी कि अपने ऑर्बिट में अंतरिक्ष यानों की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ती है, और यह गति इन अंतरिक्ष यानों के पृथ्वी से दूर जाने की गति से अधिक होती है। आप सोचिए कि हमने स्पेसक्राफ्ट तो बना लिया, ह्यूमन ने स्पेसक्राफ्ट तो बना लिया, बट वो स्पीड को ह्यूमन टच नहीं कर पाए जिस स्पीड पर यह नेचर चलता है, मतलब जिस स्पीड पर यह जो है वो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है वो मूव करता है, भागता है, मूव भी नहीं करता, चलता भी नहीं है, भागता है, दिखाऊंगा मैं आपको। और सूर्य के चारों और पृथ्वी वोयजर अंतरिक्ष यान की गति से अधिक तेजी से भ्रमण करती है। तो देखो, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर हम लोग को देखने को मिल रही, घूम रही है, और अंतरिक्ष जो यान है ये वोयजर स्पेसक्राफ्ट जो हमें देखने को मिल रही है आउटर स्पेस पर जा रहा है। बट फिर भी आप देखिए, जब ये अंतरिक्ष यान आउटर स्पेस पर जा रहा है और धरती जो है वो उसके नजदीक जा रही है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम भी जो है वो भी मूव कर रहा है आउटर स्पेस की तरफ। गेटिंग इट? तो ये चीज है। तो धरती जो है वो मूव करती है स्पेस में किस स्पीड से, 67,000 माइल्स पर आवर यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती जो है वो मूव करती है, चलती है। और वोयजर 1 जो है उसकी जो स्पीड थी वो 17 किलोमीटर प्रति सेकेंड थी, सॉरी प्रति घंटा नहीं, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मैं रिपीट करता हूं, धरती स्पेस पर मूव करती है किस स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, यानी कि 67,000 माइल्स पर आवर 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आप सोचो कितना ज्यादा होगा। और वोयजर 1 जो स्पेसक्राफ्ट बनाया था इसकी स्पीड थी मात्र 17 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और वोयजर 2 स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड हमें देखने को मिली थी, और धरती जस्ट डबल की स्पीड से जो है भाग रही है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब धरती इतनी स्पीड में है तो वोयजर स्पेसक्राफ्ट आगे निकल ही नहीं पाएगा, हमेशा ये गैप जो है वो रिड्यूस ही होता रहेगा धरती और वोयजर स्पेसक्राफ्ट के बीच में, राइट। तो धरती जो है ये सन के साइड पर जब आती है तब इसकी स्पीड जो होती है, मतलब स्पीड और मतलब स्पेसक्राफ्ट की तरफ जो है वो और तेज हो जाती है, और मतलब स्पीड से जो है वो भागने लगती है स्पेसक्राफ्ट की तरफ, क्योंकि सूर्य के पास है और उसी के बाद हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि इंटरस्टेलर स्पेस जो है वो शुरू होता है, नजर आता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को नजर आती है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये स्टडी थी जिसके बारे में एक अच्छा आपको जानकारी, एक अच्छी आइडिया आपको होना चाहिए। बाकी वोयजर मिशन के बारे में बात करें गाइस, तो 1970s में इसको लॉन्च किया गया था, नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, और आउटर प्लैनेट्स को स्टडी करके
और भी इंटरस्टेलर स्पेस को स्टडी करने के लिए यह मिशन जो है वो बनाया गया था। वोयजर 1 1977 का था, वोयजर 2 2013 का हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो ये चीज एक आपको छोटी सी बतानी चाहिए। इसके अलावा मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, वोयजर इंटरस्टेलर मिशन मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जो है वो स्टडी अपनी कंटिन्यू रखना, आउटर प्लैनेट्स के अलावा, आउटर लिमिट जो सन के स्पीयर की हम लोग को देखने को मिलती है, तो उस मतलब पूरे स्पेस में बहुत दूर दराज तक जो है वो स्टडी अपनी कंटिन्यू रखना। और वोयजर स्पेसक्राफ्ट तीसरा और चौथा ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट है जो कि जो हमारा सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनके बियॉन्ड गया है। इससे पहले पायनियर 10 और 11 हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट। और वोयजर 1 जो है पायनियर 10 को पास कर गया था, और मोस्ट डिस्टेंस ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में बना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तक मोस्ट डिस्टेंट यानी कि सबसे दूर दराज का ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में कौन सा है, तो वोयजर आप ध्यान में रखना और वोयजर मिशन आप ध्यान में रखना। वोयजर 2 एक लौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने नेपट्यून को और यूरेनस को स्टडी किया था, और इसके अलावा सेकेंड मैनमेड ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे प्लैनेट को छोड़कर बाहर चला गया है। वोयजर 2 एक लौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट हम लोग को देखने को मिलता है जो कि सभी के सभी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये चार गैस जायंट प्लैनेट्स हैं, सभी को इसने जो है वो विजिट किया है। साथ ही साथ 16 मून्स की इसने डिस्कवरी करी है। जो फिनोमिनाज होते हैं जैसे कि नेपट्यून का मिस्टीरियसली ट्रांजिएंट ग्रेट डार्क स्पॉट, और जो यूरोपास के आइस शेल में जो क्रैक है, और जो रिंग फीचर जो प्लैनेट में है, तो ऐसी कुछ इसने स्टडी करी है जिसका एक बेसिक सा छोटा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब इंटरस्टेलर स्पेस क्या है, तो साइंटिस्ट उपयोग करते हैं हेलियोपॉज का। हेलियोपॉज एक ऐसी जगह हम लोग को स्पेस में देखने को मिलती है जहां से ये कहते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस जो है वो शुरू है, यानी कि प्लैनेट के बाहर का स्पेस वाला एरिया जो है वो शुरू हो गया। तो क्वेश्चन आएगा इंटरस्टेलर स्पेस कहां से शुरू होता है, हेलियोपॉज। हेलियोपॉज ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, हेलियोपॉज, राइट। तो ये चीज, और जो हमारा सोलर सिस्टम है तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कहां पर ये हेलियोपॉज जो है वो होगा, और ये कहां तक जाता है, ओर्ट क्लाउड तक। ओर्ट क्लाउड जो कि जैसे कि अगर हम बात करें धरती और सूर्य की, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलता है, जो ऑर्बिट्स हैं, राइट, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1000 गुना ज्यादा, तो उतनी दूरी पर स्पेशली सूर्य से ये ओर्ट क्लाउड हम लोग को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ओर्ट क्लाउड, राइट। तो यहां पर बताते हैं कि यहां तक जो है ये फैला हुआ होता है इंटर स्टेलर स्पेस। तो अभी तक ये चीज यहां पर बताई गई, और बाकी हेलियोस्फीयर क्या है तो मैंने आपको बता दिया। ये बबल हम लोग को सूर्य के आजू बाजू देखने को मिलता है, जो कि सूर्य जो है उसकी तरफ से हम लोग को सोलार विंड, सोलार वेव्स जो है वो देखने को मिलती है। तो जो ये बबल जो जनरेट होता है सोलार विंड, सोलार वेव्स के माध्यम से, और इवन जैसे कि आप जानते हैं इसकी ये इतना शक्तिशाली होता है कि इवन ये जो अलग अलग जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जो होती है उसको तक ये डैमेज करने के लिए केपेबल होते हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी साइंटिस्ट रिसर्चर स्टडी कर रहे हैं कि उसके पीछे क्या फेनोमिना है, क्यों ये डैमेज कर देते हैं। तो हेलियोस्फीयर की बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंस होता है डायनेमिक प्रॉपर्टी सन के थ्रू, जैसे कि मैंने बात करी आपसे मैग्नेटिक फील्ड की, जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स इसमें होते हैं, सोलार विंड, प्लाज्मा इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये एक बबल क्रिएट करता है, और जहां पर इसने ये बबल क्रिएट कर दिया तो उस बबल के बाद से जो है वो इंटरस्टेलर स्पेस जो है वो शुरू होगा, और कहां तक जाएगा, ओर्ट क्लाउड तक जाएगा, ओर्ट क्लाउड तक। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और हेलियोपॉज जो है वो एंड हम लोग को हेलियोस्फीयर का देखने को मिलता है, और बिगिनिंग हम लोग को इंटरस्टेलर स्पेस की जो है वो देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज है गाइस जिसके बारे में एक आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, राइट।